कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने दिव्यांग व्यक्ति के साथ बदतमीजी करने वाले सिपाही के खिलाफ FIR करने की उठाई मांग। कन्नौज से राजेंद्र कश्यप के साथ राजू वर्मा की रिपोर्ट। बरेली रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री चौधरी ने 2500 से अधिक मेघावी छात्र छात्राओं को किया सम्मान। सांची विधानसभा क्षेत्र के जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है उनको हमने मेघावी छात्रों का सम्मान समारोह किया है। उनको हमने स्कूल का बैग और प्रमाण पत्र सम्मान के रूप में दिया है और हमने शुभकामनाएं दी हैं कि आने वाले समय में वो और अपने परिवार का, स्कूल का और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। बरेली से रूप सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में स्वागत समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व MP राघव लखनपाल शर्मा रहे मौजूद। सहारनपुर से पंडित रोहित शर्मा की रिपोर्ट। बहराइच में अर्धी क्षेत्र अंतर्गत नदवापुर में अज्ञात लोगों के द्वारा की गई एक वृद्ध की हत्या। बहराइच से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। बहराइच में ब्लॉक हुजूरपुर क्षेत्र में गौकृषि का मामला आया सामने, 2 बोरा मांस से 1 मोटरसाइकिल पुलिस ने किया बरामद। बहराइच से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। बांदा जिले के तहसील अतरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत संग्रामपुर में प्रधान की दबंगई आई सामने, विकास कार्यों के नाम पर जनता को दिए झूठे आश्वासन। क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है कि रोड ये बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए। अच्छा, ये समस्या है हमारी। कितने साल से है? अरे कम से कम 10 साल से आई इसी पड़ी। अच्छा, शिकायत की है आप? शिकायत भी किया, बताया भी, प्रधान से भी बताया गया इसको बनवा दो। अच्छा, प्रधान क्या बोला? प्रधान कहता है बन जाएगी ये बोल रहा है। अच्छा, तो जो है और आवास भी दिया तो कहता है कि जब पैसा दोगे तभी तुमको आवास मिलेगा। अच्छा, आवास में भी पैसा ले लिया हमसे 10,500 रुपए। कितना रुपए लिया है? 10,500। अच्छा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। जो है क्या आवास, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो आवास नहीं आपको मिलेगा? आवास नहीं मिलेगी। अच्छा, तो प्रधान की धांधे गर्दी चलती है क्या आपके गांव में? धांधे गर्दी चलती नहीं। अच्छा, बांदा से रामबाबू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल KKD News और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।